हाय गाइस, दिस इज आरका सिंह। आज हम बात करेंगे क्या टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, जो मैं आपको बोला हूँ कि हर संडे को संडे मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ाना सिखाऊंगा, जो स्पोकन इंग्लिश मतलब बोलचाल की भाषा को जानने के लिए, बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं वह करते ही नहीं है, जिनको बोलने की ज़रूरत है या जिनकी ख्वाहिश है टू स्पीक इंग्लिश बिफोर फ्रेंड्स, विद फ्रेंड्स, एल्डर्स, इन फैमिली, रिलेटिव्स एंड सो ऑन। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज बोलना है तो डे बाय डे इट कैन बी इम्प्रूव, बट हाउ टू बी इम्प्रूव यू डोंट नो। सो यू on Sunday must be with me, okay, to learn how to speak English and how to learn vocabulary and to read newspaper, okay। तो आज हम क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज पेपर जो है हर संडे को संडे मैं लेके आता हूँ। आज भी आपके पास संडे का टाइम्स ऑफ इंडिया है, okay। किसी ने हमसे पूछा कि सर संडे टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं और संडे टाइम्स पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता दूं टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वह संडे को संडे टाइम्स के नाम से आता है, ठीक है। तो आप संडे, हम छोटे मोटे न्यूज़पेपर पढ़ाते ही नहीं है, इससे ऊपर का न्यूज़पेपर आपके पास द हिंदू है, जो एक पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, उसके बाद ऊपर का कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ठीक है। तो आइए अब आपको देखो यहाँ पे क्या है, मॉल्स रेस्टोरेंट्स टू ओपन ऑन June 8, नाइट कर्फ्यू शरंग। शरंग का मतलब आप जाने कि होता क्या है जी। शरंग जो भर्व है, अगर भर्व के सेंस में यूज करेंगे इसका मतलब होता है सिकुड़ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कर्फ्यू को क्या कर दिया गया है, कम देर को बना दिया। जैसे पहले था कि 7 PM टू 7 AM तक कर्फ्यू था, अब क्या है 9 PM टू 5 AM। हम जानते हैं कि 9 बजे रात के बाद आदमी कहाँ जाएगा, कर्फ्यू रहे अथवा ना रहे बात बराबर है, ठीक है, लेकिन कर्फ्यू है तो है, ठीक है। जैसे तो आप देखिए क्या है, मॉल्स और रेस्टोरेंट जो है ओपन ऑन June 8। आप कहेंगे कि जून के पहले ऑन क्यों लगा, दिस इज द प्रपोजिशन फॉर डेट, फॉर नेम ऑफ डेज, ये सब के पहले क्या लगता है, प्रपोजिशन ऑन लगता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि आप मंडे को आएंगे, मतलब क्या, यू कम ऑन मंडे, ठीक है, यू विल कम ऑन मंडे। अगर सर्टेनिटी की बात होगी तो प्रेजेंट में रखेंगे, अगर कम पॉसिबिलिटी की बात होगी तो फ्यूचर में रखेंगे, ठीक है। यहाँ हम बोलेंगे क्या कि पीएम मोदी पटना में 20 तारीख को आएंगे, ऑन 20th of August या जो भी कुछ होगा, जुलाई या जून जो भी होगा, तो डेट के नाम के पहले ऑन लगाएंगे और डेज के नाम के पहले ऑन लगाएंगे। एक वजह है कि यहाँ पे मॉल्स रेस्टोरेंट टू ओपन ऑन June 8, नाइट कर्फ्यू शरंग क्या है, मॉल और रेस्टोरेंट जो है वो 8 जून के बाद खुल जाएगी, 8 जून से ही है लेकिन 8 जून के बाद खुलेगी, ठीक है। नाइट कर्फ्यू जो था ज़्यादा आवर का, वह उसको सिकुड़ा के उस मतलब कम कर दिया गया है, जो अब 9 PM से 5 PM तक रहेगा। अब क्या यहाँ पे देखो, एक हमारे बिहार का खबर है, जो एक मॉम और उसकी छोटी बच्ची है, वह क्या है, उसकी बम ब्लास्ट में क्या हो गया, बम फटने से उसकी देहांत हो गई, मर गई। क्या है पूरा स्टोरी पढ़िए, बेबी मॉम किल्ड इन मुंगेर ब्लास्ट। आप सोचेंगे इसका मतलब क्या कि आतंकवादी हमला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, आप पूरा पढ़िए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 21 year old woman and her 2 months old daughter were killed in a massive explosion
एक्सप्लोइशन इनसाइड देयर हाउस अंडर बरियारपुर पुलिस स्टेशन इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन सैटरडे। मतलब क्या, मैसिव एक्सप्लोजन, इसका मतलब क्या है कि मैसिव का मतलब बड़ा, एक्सप्लोजन मतलब कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, किसके, इसी के घर में हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसके फैमिली के कोई भी सदस्य कहीं ना कहीं बम बनाने में क्या हो गए, संलिप्त होंगे, तभी तो ऐसा हुआ होगा। अब इसको सोचिए कि घर में अगर ब्लास्ट हो गया तो आसपास के लोग नहीं बचेंगे तो घर के लोग का क्या होगा, है ना। आगे पढ़िए, देखिए क्या है, द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब क्या, घटना, टूक प्लेस अराउंड 2 AM, इसका मतलब क्या, 2 बजे रात की घटना है। द डिकीज वुमेन स्ट्रेंज हस्बैंड एंड हिज ब्रदर हैव बीन डिटेन्ड बाय पुलिस। अब इसके हस्बैंड और हिज ब्रदर, उसके मतलब क्या कि जो लेडी मरी और उसके बच्चे मरे, उसके हस्बैंड और उसके चाचा को, मैंने बच्चा के चाचा को, हस्बैंड और हस्बैंड के भाई को क्या किया गया, डिटेन्ड किया गया है। डिटेन्ड का मतलब क्या कि पूछताछ के लिए पकड़ के ले गया है। स्वाभाविक बात है कि घर में इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स फ्रॉम भागलपुर कलेक्टेड सैंपल फ्रॉम द स्पॉट, और भागलपुर के जो फॉरेंसिक टीम है, फॉरेंसिक टीम का मतलब आप जानते होंगे, समझ लीजिए कि वहाँ पे आता है और वहाँ पे जो राख बचा है या जो भी रेस पार्ट बचा है उसको करेगा कि क्या, किस तरह का बम था और क्या चीज़ के लिए यूज़ होगा, वह पूरा जांच करेगा, उसको पूरा जांच करके फिर बिहार सरकार को इसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो लॉकडाउन 5.0 न्यू गाइडलाइन, आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन 5.0 का नया गाइडलाइन है, कैसे कैसे चलेगा ये आपको पूरा इसके बारे में। उसके बाद क्या है, नीतीश गवर्नमेंट टू स्टिक टू सेंटर्स नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब सेंटर्स नॉर्म्स का मतलब क्या कि केंद्र की जो नॉर्म का मतलब जो नियम बनाया है किसका, COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए, उसको स्टिक मतलब खड़ा है, कौन खड़ा है, बिहार सरकार खड़ी है, बिहार सरकार खड़ी है, कौन, जो सेंटर रूल बनाया है 1.0, नॉट 2.0, 3.0, ये 1.0 के रूल पे बिहार सरकार चलेगी और उसी को फॉलो करेगी। 2-3 तो पीछे, 1 जो था उसके कितना हार्ड रूल था आपको पता है, उस रूल को बिहार सरकार फॉलो अभी भी करेगी, क्योंकि बिहार में अभी जो माइग्रेंट्स आए हैं वह कोविड लेके आए हैं और फैल ना जाए इसके लिए क्या किया जा रहा है, बिहार सरकार सतर्क है, अलर्ट है। द हाइएस्ट वन डे स्पाइक ऑफ 265 डेथ इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ सैटरडे को हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा कितना, 265 लोगों की मृत्यु हो गई, स्पाइक मतलब इतना ज्यादा। द डेथ टोल ड्यू टू COVID-19 रोज टू 4971 एंड द नंबर ऑफ केसेस क्लाइम्ड टू इतना, देखो कितना अच्छा वर्ड है सीखने के लिए, क्लाइम्ड 173,763, मतलब क्या कि केसेस कहां तक पहुंच गया, 173,763, और डेथ कितना अभी तक हो गया जी, नंबर ऑफ डेथ का कितना है जी, 4971, अभी तक इंडिया में इतने लोगों का डेथ हो चुका है और
इतने लोग संक्रमित हैं। संक्रमित कहने का मतलब क्या, इन्फेक्टेड हुए थे, लेकिन अराउंड 50% लोग क्या है, इससे ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इंडिया ट्रैवर्सिंग ऑन पाथ टू विक्ट्री अगेंस्ट कोविड। किसने कहा, पीएम मोदी। पीएम मोदी साहब ने क्या कहा कि इंडिया जो है वह विक्ट्री कोविड 19 के खिलाफ विक्ट्री में आगे बढ़ रही है और संभवतः वह जीतेगी भी। ट्रांसवर्स का मतलब होता है मूव एहिड, एक साइनोनिम आप जान सकते हैं, TRAVERSE, इसका मतलब होता है मूव एहिड। मूव एहिड का मतलब होता है आगे बढ़ना, इसी का साइनो है। ठीक है, ये फ्रेजर वर्ब है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बराबर फ्रेजर वर्ब होता है। ठीक है, इसका मतलब आगे बढ़ना, मतलब कि हम प्रोग्रेशन में विक्ट्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या चीज, कोरोना से जीतने के में। मर्केल वांट एस्टेंड सॉरी मर्केल वांट अटेंड G7 समिट इन पर्सन इफ US गोज अहेड। ये जो चांसलर है, ठीक है, वह क्या है, G7 जो समिट होने वाला है उसमें यह शरीक नहीं होगी। अब क्या है, 208 न्यू केसेस, 4 मोर डेथ इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या कि बिहार की बात हो रही है, कि 4 पर्सन का डेथ हो गया, कब हो गया, 4 लोगों का डेथ हो गया, कब, सैटरडे को, और 208 न्यू केसेस ऑफ कोविड को का पाया गया, इन्फेक्टेड लोग पाए गए हैं। ठीक है, अब फिल्मी दुनिया की तरफ आपको ले चलते हैं। ये आपको देखिए, ये डायरेक्टर साहब हैं, ठीक है, कह रहा क्या, वॉन्ट बी एनी शॉर्टेज ऑफ वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री पोस्ट लॉकडाउन। इनका कहना क्या है कि इंडस्ट्रीज में काम की शॉर्टेज नहीं होगी, मतलब कमी ना होगी। किसने कहा, बाल्की साहब ने कहा, जो फिल्म डायरेक्टर है और अक्षय कुमार के साथ मूवी बना रहे हैं। दिस वीक एमिड्स द लॉकडाउन आर बाल्की डायरेक्टर ऑफ द फिल्म लाइक चीनी कॉम पा एंड पैडमैन अलोंग विद अक्षय कुमार एंड अ क्रू ऑफ अबाउट 20 पीपल शॉट अ पब्लिक सर्विस इन कमलिस्तान स्टूडियो मुंबई। मुंबई में कमलिस्तान स्टूडियो है, कमलिस्तान, हाँ ठीक है, वहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही है। उसके दौरान डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि फिल्म की कमी हम होने इंडस्ट्रीज में नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री में फिल्म शूटिंग होती है, आप जानते हो कि लगभग 100 आदमी के आसपास एक कोई भी रोल शूट होगा तो वहाँ पे होगा, लेकिन मात्र या 20 लोगों के साथ ही मूवी शूट कर रहे हैं। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है मूवी में, मूवी के सीन के लिए, उसी पर्सन को वहाँ रखा गया है। ठीक है, आर बाल्की रिसेंटली शॉट अ पब्लिक सर्विस फिल्म स्टीयरिंग अक्षय कुमार एट अ मुंबई स्टूडियो विद अ लिमिटेड क्रू ऑफ अबाउट 20 पीपल। वो मैं आपको बताया कि एकदम लिमिटेड क्राउड के साथ, लिमिटेड पर्सन के साथ मूवी बनाई जा रही है, पब्लिक सर्विस मूवी बनाई जा रही है। ठीक है, अब इधर आप देखेंगे, राधिका एट ए होम इन दिल्ली बट विल मीट फैमिली आफ्टर 2 weeks ऑफ क्वारंटाइन। राधिका जो है वह दिल्ली में रहते हुए अपने फैमिली से नहीं मिल पा रही थी। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो भी माइग्रेंट्स आए हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट तो पहुंच गए हैं, होम पंचायत पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनको फैमिली से मिलने नहीं दिया जाएगा जब तक क्वारंटाइन
को फॉलो नहीं करेंगे। क्वारंटाइन में रहने के बाद उनमें अगर कोई सिम्टम नहीं पाया जाएगा तभी उनको कहाँ भेजा जाएगा, उनको घर भेजा जाएगा, नहीं तो ये अपने घर जाएंगे, अपने घर से गए अजन मानो के लेके गए, ऐसी बात हो जाएगी। चलिए तो हम आगे पेज पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 28 के रीच स्टेट बाय 32 ट्रेंस। हम जानते हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की मदद से बहुत सारे लोग बिहार में, लाखों लाखों लोग बिहार में पहुंच चुके हैं। ऑल टुगेदर 48,000 पीपल रिटर्न फ्रॉम गुजरात एंड 10 अदर स्टेट्स टू डिफरेंट प्लेसेस इन बिहार अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे बाय 32 श्रमिक ट्रेन्स ऑन सैटरडे। सैटरडे को, सैटरडे का क्या है, 48,000 लोग 2 सेकेंड ऑफ मई से, सेकेंड ऑफ मई से अभी तक 48,000 लोग को बिहार में लाया जा चुका है श्रमिक ट्रेन चला चला कर, ठीक है। अराउंड 18 लाख माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड अदर हैव बीन ब्रॉट बैक टू द स्टेट बाय 1500 ट्रेन सिंस मैसूर, सॉरी 15 मैसूर जो 22nd से 15,000 ट्रेन चला के 18 लाख लोग को लाया गया है, ठीक है। वो लगता है सैटरडे को सिर्फ 48,000 लाया गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे, अभी तो आपको पढ़ेंगे स्टेट टू फॉलो सेंटर्स नॉन, मतलब क्या सेंटर्स नॉन का मतलब कि केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार के नियम को कौन पर फॉलो करेगा, बिहार सरकार फॉलो करेगा, ठीक है। मेक स्पेशल प्लान फॉर वर्नेबल एरियाज, वर्नेबल एरियाज का मतलब क्या है, जहाँ पे लोगों, जहाँ पे COVID-19 से इन्फेक्टेड लोग हैं उसको, उसके लिए DMSP और जो भी वहाँ पे जो मुखिया जी हो गया, जो भी वार्ड पार्षद, सबको दिया गया कि जो अगर इन्फेक्टेड लोगों कुछ होगा तो आप नहीं बचोगे, तो उसके लिए स्पेशल प्लान बनाने के लिए, मेक स्पेशल प्लान फॉर वर्नेबल एरियाज। वर्नेबल एरियाज का मतलब क्या कि जो एरिया चपेट में आ गया किसका, COVID-19 का, उसको क्या है, उसके लिए स्पेशल प्लान बनाइए, स्पेशल प्लान बना के उसको ठीक करने का प्लान बनाइए, ठीक है। 8 killed in separate incidents, अलग अलग इंसिडेंट में सैटरडे की घटना है, इतने 8 लोग की मौत हो गई। तो आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं आपको 3 महीना होते होते आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, ये आर के सिंह का गारंटी है। इट्स नॉट ओनली गारंटी, इट इज कमिटमेंट। इफ यू फॉलो आई विल यू टीच एंड यू कैन लर्न एंड कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहाँ पे देखिए 28% ऑफ 40,108 कोविड केसेस इन इंडिया टिल अप्रैल 30 एसिम्प्टोमिक स्टडी में बताया गया है कि 40,184 कोविड केसेस की जांच हुई, जिसमें 28% केसेस में सिम्टम ही नहीं था, बिना सिम्टम का उसको कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन वह इन्फेक्टेड पाया गया। कितने 40,184 केसेस के लोगों को जांच किया गया, जिसमें क्या है 28% लोगों को कोरोना का सिम्टम ही नहीं था, मतलब एसिम्टोमिक था,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसा आप जानते हैं इंडिया चाइना टॉकिंग थ्रू डिप्लोमेटिक मिलिट्री चैनल्स, जैसा अभी आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के सैनिक में जो चाइना का बॉर्डर पे सटे हुए असम ये सब के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है इसके मिलिट्री के बीच में क्या है तानातानी हो गया था, तो यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट को भेजा गया उधर भी सब। अब क्या पेट्रोलिंग पहले क्या है सेना करती थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन अब एयरक्राफ्ट जो है वह पेट्रोलिंग कर रही है कि अगर युद्ध की स्थिति होगी तो डट के सामना किया जाएगा, ठीक है। डिप्लोमेटिक के तौर पे दोनों की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए स्टेट शुड ओपन एजुकेशन सेंटर्स ऑन एचआरडी एडवाइस, क्या है दिल्ली सरकार का ये ऑर्डर है कि और सॉरी नागपुर की गट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फर्स्ट कम विद द गाइडलाइन ऑन रीओपनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच कैन टेक देयर ओन ऑल डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड सिचुएशन, यूनियन होम मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। आप जानते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है वह रमेश पोखरियाल साहब है, ठीक है, तो इनको क्या है ये बोले हैं क्या कि एचआरडी की जो एडवाइस होगी उन्हीं पे स्टेट को एजुकेशन सेंटर खोलना है, उसमें इंस्टीट्यूशन आएगा ट्रेनिंग सेंटर आएगा, मतलब जैसी एजुकेशन की बात होगी, इसी कारण आप जानते होंगे कि एजुकेशन सेक्टर अभी खुला हुआ नहीं है। और आपको हम बता दें कि लॉकडाउन रहे लॉकडाउन नहीं रहे हमारा चैनल बन गया है तो यह परमानेंटली अब चलेगा, हमेशा चलता रहेगा। नेपाल मैप अपडेट टू वर्सन टाइज विद इंडिया। अभी अभी आपको क्या है एक न्यूज आया था नेपाल जो इंडिया का कुछ पार्ट है उसको अपना नक्शा में दिखा दिया था, तो इंडिया जो क्या है अपना जो विदेश सचिव है वो वक्तव्य दिए कि आप अपने नक्शा को ठीक करिए तो हम अपना अपने अनुसार आपको क्या करेंगे ठीक करेंगे, तो आपको पता है कि नेपाल की औकात क्या है कि इंडिया के सामने कुछ बोलेगा तो जैसे ही बोला फिर वो नक्शा में क्या कर लिया बदलाव कर लिया जैसा पहले था वैसा ही बोला कि नहीं कोई हमको लफड़ा लेने की जरूरत नहीं है। IDBI बैंक reports फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर 13 क्वार्टर्स ऑफ लॉस। क्वार्टर का मतलब तीन मंथ, तो तीन मंथ में 13 से गुणा कर दीजिए उतना मंथ के बाद यह फर्स्ट प्रॉफिट दिखाया है कौन IDBI बैंक, ठीक है। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हर संडे को आप लगे रहिए SD इंग्लिश लेसन के साथ, मतलब आरके सिंह के साथ, मतलब रणधीर कुमार सर के साथ, आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ेंगे, नहीं आया तो पढ़ाना बंद, सामने में प्याज का दुकान खोलेंगे, ठीक है, तो आप लगे रहिए रणधीर सर के साथ और आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ेंगे। इट्स कमिटमेंट टू टीच यू, नॉट ओनली टीच यू लर्न एज वेल एज स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके गाइस फिर मिलते ब्रेक के बाद, त
तब तक के लिए नमस्कार।